हाय मेरे देश के किसान भाइयों, मैं हूं एमराज और आप देख रहे हैं यूथ नेट सर्फ कैरियर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच एक गजब का महत्वपूर्ण प्रोडक्ट लेके आया हूं, जो कि खेती बाड़ी में रामबाण सिद्ध होने वाला है, किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा पैदावार को बढ़ाने वाला है। तो उसका नाम है बायोफिट का स्टिमरिच। आज ओनली स्टिमरिच की जानकारी लेके आया हूँ, क्योंकि स्टिमरिच किसान भाइयों के लिए वरदान बन सकता है, क्योंकि ये इसका क्या काम है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके कितने प्राइस है, यूज करने के तरीके क्या हैं, लेना कैसे है, मंगाना कैसे है, इन तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में 5-7 मिनट के अंदर में मिलने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो इस तरह की खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए आज की जानकारी को स्टार्ट करते हैं। स्टिमरिच फसल के विकास के प्रत्येक चरण में उसे सशक्त, स्वस्थ एवं उपजाऊ बनाने में मदद करता है। यह पानी के साथ बहुत ही आसानी के साथ घुलनशील है, घुल जाता है, मिल जाता है, और आपको जो अभी निर्देश दिए जाएंगे, इन निर्देशों के अनुसार आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके खेतों के पैदावार 30-40% तक बढ़ सकता है। ये है असलियत स्टिमरिच का। तो आइए हम लोग प्रश्न बाय प्रश्न बातचीत करते हैं और उसका समाधान करते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आप लोग के मन में कि स्टिमरिच किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों, स्टिमरिच जो है पौधों के पत्तियों पर जब स्प्रे करते हैं तो ये क्या करता है कि पत्ते अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद इसके अंदर जो प्रोटीन और एमिनो एसिड होता है, ये एमिनो एसिड पत्ते अवशोषित कर लेते हैं और वह मतलब छिद्र को फैला देता है, खोल देता है, और छिद्र जैसे ही पत्ते के खुल जाते हैं तो उससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे पौधे तेज गति से भोजन बनाते हैं, पर्याप्त मात्रा में भोजन बनाते हैं, जिससे पौधे का विकास अपेक्षा से ज़्यादा होता है और उत्पादन भी ज़्यादा आता है। साथ ही साथ यदि किसी फसल में फूल गिरने की बीमारी हो तो आप इस स्टिमरिच का प्रयोग करके उसे भी हद तक रोक सकते हैं, साथ ही पैदावार भी आपको बढ़ सकता है। और आगे की बात करेंगे दूसरा प्रश्न का कि सर, स्टिमरिच का प्रयोग किस किस फसल पर किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टिमरिच का फसल सभी प्रकार के फसलों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वो अनाज हो, सब्जी हो, दाल हो, या मतलब कोई भी हो। साथ ही जो पेड़ हैं, पेड़ मतलब पौधे का रूप में पेड़, जैसे नींबू का पेड़, नारंगी का पेड़, अनार का पेड़, अंगूर का पेड़, तो इस तरह के जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी ये काम करता है। या कोई आप कटहल का, आम का जो पौधा लगाए हैं, अभी बगान में लगा रहे हैं, तो अभी 1-1.5 साल का है, तो उस पर भी ये गजब का काम करेगा। आइए, स्टिमरिच का काम कौन कौन सा फसल पे कैसे कैसे करता है, ये आपने समझ गया। अब तीसरा प्रश्न आपके मन में होगा कि स्टिमरिच का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए। तो स्टिमरिच का प्रयोग आपको कब, तो शाम के समय में 3 बजे से 4 बजे के बाद करेंगे, और 5 बजे से पहले 6 बजे से पहले कर देंगे। मतलब 3 से लेकर 6 बजे दोपहर के बीच में, शाम के समय में अगर करते हैं तो ये रात भर में क्या होगा कि पत्ते पौधे जो हैं वो स्टिमरिच का जो मिश्रण हम लोग उसके पत्ते पर स्प्रे करेंगे उसको अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित जैसे ही किया तो उसके अंदर प्रोटीन, एमिनो एसिड और जो भी पौधों के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो इम्यूनिटी सिस्टम को, रोग प्रतिरोध क्षमता को ये वृद्धि करेगा, बढ़ाएगा, और पौधे को स्वस्थ भी बनाएगा, और जितना भी उसके अंदर बीमारी है वो धीरे धीरे कम करता चला जाएगा, जिससे पौधे आपके स्वस्थ होंगे और अच्छे पैदावार दे सकते हैं। तो आइए, स्टिमरिच का कब प्रयोग करना आप समझ गए कि दोपहर के समय में 3 से 6 बजे के बीच में करना है। कैसे करना है, तो इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो जो भी आप लोग पंप रखते जिसे आप स्प्रे करते हैं खेतों में, उस पंप के साथ यदि आप कभी केमिकल का प्रयोग करके खेतों में स्प्रे किए हैं तो निश्चित रूप से उस डब्बे को, उस पंप को गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ
क्या करना है कि उस डब्बे को दो बार धोना है, पूरे झकझोर करके एक बार दो बार धोना है, और दो बार धोने के बाद डब्बे को पलट करके ज़मीन पर छोड़ देना है ताकि सारी पानी बाहर आ जाए और डब्बा सूख जाए। उसके बाद ही हम स्टीमरिच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्टीमरिच जैविक फॉर्म में आता है, 100% जैविक फॉर्म में है, 100% इको फ्रेंडली है, जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता है, पौधे को फसल को फ़ायदा पहुंचा सकता है, नुकसान नहीं। तो ये ऐसा लाजवाब प्रोडक्ट है, इसीलिए डब्बे को बिल्कुल धो दे ताकि इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का केमिकल के साथ किसी भी कीमत पर संपर्क नहीं होना चाहिए, इसीलिए ऐसा करना आपको बेहद ज़रूरी है। अब यह जानकारी आपको देखने में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मेहनत का फल मुझे मिल जाए। चलिए आगे की बात करेंगे कि उपयोग करने के तरीके क्या हैं। तो उपयोग करने के तरीके बहुत ही सिंपल है कि आप उपयोग 1 ml प्रति लीटर स्टीमरिच का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास 15 लीटर का टैंक है तो 15 लीटर के टैंक में 15 ml पहली बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 से 20 ml, तो 4-5 ml बढ़ा के देंगे और उसका स्प्रे करेंगे शाम के समय में, निश्चित रूप से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आगे आइए, स्टीमरिच के प्रयोग करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो स्टीमरिच के प्रयोग करने से जितने भी आपके फसल पर पौधे पर बीमारियां हैं, फूल गिरने की, सही से ग्रोथ नहीं होता है, मूड़ी उसका जो तना होता है वो जड़ कीट पसंद काट देता है, या जो भी, इसका मतलब है कि पत्ते पौधे जब कमज़ोर होते हैं तो उस पर रोग प्रतिरोध क्षमता कम होने के कारण अटैक हो जाता है, बीमारी अटैक कर देता है, पौधे सूख जाते हैं, कुकरापन पकड़ लेता है, कुछ भी। लेकिन ये जब शुरुआत से स्प्रे करेंगे तो क्या होगा कि आपके पौधे फास्ट ग्रोथ करेंगे और उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम, जिसे हम रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो पौधे के अंदर भी पाया जाता है। ये पौधे के अंदर जब रोग प्रतिरोध क्षमता डेवलप कर देगा तो आपके पौधे तेज गति में ग्रोथ होंगे। फूल गिरने की बीमारी है तो उसको गिरने से रोक देगा, फल अगर गिरने की बीमारी है तो फल को गिरने से रोक देगा, साथ ही साथ जितनी भी तमाम तरह के अंदर में पौधों में कमियां हैं उसको ये स्टीमरिच 100% पूरा करने का काम करेगा। तो आइए, क्या आपको यह प्रोडक्ट की जानकारी आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हमको ये प्रयोग करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको स्टीमरिच के प्रयोग करने के क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे थोड़ा सा इसको भी आप समझेंगे, क्योंकि स्टीमरिच का प्रयोग करने के बहुत लाजवाब फ़ायदे मिलेंगे। स्टीमरिच का प्रयोग करने के क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे थोड़ा समझेंगे। तनावपूर्ण अवस्था के बाद स्प्रे करने पर भी जड़ें जल्दी ठीक हो जाती है, इसके प्रयोग से जड़ें मजबूत हो जाती है और यह सभी पोषक तत्व ग्रहण कर लेती है जो पहले नहीं कर पाती थी। वनस्पति के महत्वपूर्ण अवस्थाओं जैसे कि बीज अंकुरण, पुष्प आने के समय में, फल अंकुरण के दौरान वनस्पति का रोगों से बचाने का काम करता है और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। पत्तियों का आकार बढ़ाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज होती है। समय से पहले गिरने वाले फल और फूलों को रोकने में 100% काम करता है, मदद करता है। वृद्धि नियंत्रक जिब्रालिक एसिड ऑक्सीजन के साथ अच्छी तरह कार्य करता है और इसके फायदे आपको लाजवाब मिलते हैं। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक ही प्रश्न आ रहा होगा कि क्या आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर, इसको कैसे लिया जाए, कैसे खरीदा जाए, कैसे मंगाया जाए। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस प्रोडक्ट को आप आसानी से मंगा सकते हैं। और आपको जो स्क्रीन पर दी गई नंबर जो दिखाई दे रहा है, तीनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को आप मंगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों ने बायोफिट का स्टीमरिच का प्रोडक्ट का प्रयोग किया है और उनको रिजल्ट अच्छा या बुरा जो भी मिला है वो कमेंट करके बताएं, ताकि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जा करके देख सकते हैं कि लोगों जिन जिन लोगों ने स्टीमरिच का प्रयोग किया है उनके क्या रिजल्ट हैं, क्या फ़ायदे हैं। कमेंट के माध्यम से वो कॉन्फिडेंट ला सकते हैं, देख के समझ सकते हैं। स्टीमरिच के साथ बायो 99 का यदि मिश्रण कर देते हैं 15 लीटर पानी में 5 से 6 ml, तो आप याद रखें कि स्टीमरिच के पावर को, प्रभाव को 3 से 4 गुना तक बढ़ा देता है। यह प्रभाव खेतों में स्प्रे करने के दौरान लंबे समय तक पौधों पर, पत्तों पर कायम रहता है,
जिससे आपके पौधे सुरक्षित और विकास गति में हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं। तो दोस्तों, किसान भाइयों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि देखने में अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि वह भी देख सके, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। फिर मिलूंगा इसी तरह की वीडियो की जानकारी लेकर के, नए प्रोडक्ट की जानकारी लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखिए, वीडियो देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।